नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र के बारे में। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। फुलवारी शरीफ बिहार विधानसभा क्षेत्र पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो पटना जिले का भाग है। यह विधानसभा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षित सीट है। फुलवारी शरीफ विधानसभा चुनाव में सीपीआई माले और जदयू आमने सामने है। जदयू ने यहां से अरुण मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं सीपीआई माले ने गोपाल रविदास को चुनावी मैदान में उतारा है। हम फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में चल रहे राजनीतिक हलचल के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर फुलवारी शरीफ विधानसभा के राजनीतिक इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे साल 2015 की। 2015 विधानसभा की बात की जाए तो श्याम रजक विधायक रहे थे। वे जदयू के टिकट से मैदान में उतरे थे और 94,094 वोट प्राप्त कर पाए थे। वहीं उनके मुकाबले में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी से राजेश्वर मांझी खड़े थे, जिन्हें आधे से भी कम वोट हासिल हुआ था। उन्हें इस चुनाव में 48,381 वोट मिले थे। साल 2010 के चुनावी साल को देखा जाए तो इस चुनावी साल में राजद और जदयू के बीच मुकाबला रहा था, जिसमें जदयू के टिकट से श्याम रजक विधायक चुने गए थे। वहीं राजद के टिकट से उदय कुमार को उम्मीदवार बनाया गया था। आंकड़ों की बात की जाए तो श्याम रजक को 67,390 वोट हासिल हुए थे, वहीं उदय कुमार को 46,210 वोट मिले थे। दोनों उम्मीदवारों के बीच में हार जीत का अंतर 21,180 वोट रहा था। साल 1995 से 2005 के चुनावी साल को देखें तो इन सभी चुनावी साल में इस क्षेत्र से श्याम रजक का ही कब्जा रहा था, लेकिन उनकी पार्टी बदलती रही है। 2000 और 2005 के चुनावी साल में राजद के टिकट से वो रहे थे, वहीं साल 1995 में वो जनता दल के प्रतिनिधि रहे थे। साल 1990 के चुनावी साल को देखा जाए तो इस चुनावी साल में कांग्रेस के टिकट से संजीव प्रसाद टोनी विधायक हुए थे। इस क्षेत्र के विकास कार्य को देखा जाए तो सड़क की हालत में सुधार हुआ है, सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है, बहादुरपुर घाट के अलावा कई महत्वपूर्ण कार्य भी करवाए गए हैं, विद्युत सब स्टेशन का निर्माण करवाया गया है। चुनावी मुद्दों की तरफ देखें तो सड़क और बिजली अहम मुद्दा रही है। पेयजल की आपूर्ति समुचित रूप से ना होना भी अहम समस्या रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस क्षेत्र में कदम उठाए गए हैं, लेकिन पूरी तरह कार्य नहीं किया गया है। फुलवारी शरीफ विधानसभा में पिछले दिनों राजनीतिक उथल पुथल हुआ था। फुलवारी शरीफ के विधायक श्याम रजक ने एक बार फिर से पार्टी छोड़कर राजद का दामन थाम लिया। बिहार विधानसभा चुनाव में यह सीट एनडीए में जदयू के खाते में गई है, तो वहीं महागठबंधन में यह सीपीआई माले के खाते में गई है। जदयू ने जहां अरुण मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं सीपीआई माले ने गोपाल रविदास को चुनावी मैदान में उतारा है। जदयू छोड़कर राजद ज्वाइन करने वाले श्याम रजक को राजद ने टिकट नहीं दिया। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा था कि राजद उन्हें विधान परिषद से सदन में भेज सकती है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प है कि फुलवारी शरीफ विधानसभा में श्याम रजक का कितना जादू चल पाता है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।